Hello trainers, welcome back to my channel with Monster Honor 5 gameplay video. So trainers, आज तो सभी को पता ही होगा आज है मंडे और आज Monster Honor 5 में न्यू इवेंट आने वाले का दिन है और ट्रेनर्स एक और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए बहुत ही फायदा वाला अनाउंसमेंट है। आज एक खास भी मतलब मेरे लिए एक खास दिन है तो एक खास अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और चलो जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं इस बार इवेंट में क्या आया है हमारे लिए। चलो अरे नहीं, अच्छा हाँ चलो फ्री कैम कर लेते हैं, 20 डायमंड्स मिल गया। अभी बोनस इवेंट, आई होप कि कुछ अच्छा दे। नहीं, ये लोग तो वही मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं करते इसमें, वही साई पूरा बेकार साई सब कुछ देते बार बार पूरा सेम चीज। डेली साइनिंग एनी टॉप अप तो आप सभी को पता ही होगा, एनी टॉप अप पे ये मिल जाएगा। पॉपुलर इवेंट में देख लेते हैं रिच रिवार्ड्स, हाँ रिच रिवार्ड्स तो पता ही है, टॉप अप 200 डायमंड से वही सेम, कुछ कोई भी चेंजेस नहीं है आपको तो सभी को पता ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर से टॉप अप पोकेमॉन शॉप और हियर इज द गाइस, तो वो आज हमारे आज गेम में ये वाला पोकेमॉन आया, इसका नाम मून शैडो जेड हार या हेयर, अरे कुछ भी कहो मून शैडो जेड हार। लेकिन ये वाला पोकेमॉन फाइटिंग और गोस्ट टाइप है, इसका स्पीड भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मतलब अच्छा ही पोकेमॉन आया है इस बार इवेंट में और इसका इवोल्यूशन स्टोन भी आया है, इसका एक्सक्लूसिव गियर तो होना चाहिए स्टोन के नीचे, चलो देखते हैं। और एक्सक्लूसिव मूव ये रहा, मेरा एक एक्सक्लूसिव मूव शैडो फ्रैक्चर बहुत ही अच्छा मूव है, लेकिन चलो देखते हैं क्या काम करता है इसका मूव। ओ भाई मतलब बहुत ही खतरनाक अटैक है, मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ देख लो, अगर ओपोनेंट अगर जो प्रोटेक्शन अटैक है वो यूज़ करे तो वो अटैक कोई काम का नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन एक बार मिस हो जाता है ना हमारा अटैक, जब प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं ओपोनेंट तो ये मिस नहीं होगा, ये अटैक चेंज हो जाएगा डार्क शैडो में, शैडो फिक्सचर अटैक चेंज हो जाएगा डार्क शैडो में। और ओपोनेंट का अगर प्रोटेक्शन यूज़ करे तो प्रोटेक्शन को भेद करके मतलब उसको एक डैमेज तो करेगा ही और उसको डिसेबल स्टेज पे डाल देगा ओपोनेंट का पोकेमॉन को, तो समझ रहे हो मतलब गोस्ट टाइप अटैक है, इसलिए ये काम मतलब इतना बढ़िया काम कर रहा है। और ये तो डिट्टो ही होगा, 4B डिट्टो और इंटर मुझे स्विच का, तो इसके बारे में तो सब जानते ही होगा, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। चलो फेस्टिवल स्क्रीन में देख लेते हैं, सेम ही होता है, हाँ फेस्टिवल इवेंट तो वही सेम चीज़ ही है। होप्पा का फ्लूट, जेरेनास का फ्लूट और रेसिडेंट फ्लूट, चलो सब कुछ सेम ही है। और तो ये रहा 3B डिट्टो और सब लोग ले रहा हो ना उस सेक्शन के वाउचर्स, सब तो लेते रहो इतना ले सकते हो, हम दो ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास 82, बहुत बढ़िया 82 हो गए। और फेस्टिवल लकी टर्मल में कुछ नया आया है क्या, तो फिर हुप्पा का वो बेबी हुप्पा क्या था। और ये है रहा एक नया पोकेमॉन आया है स्काई फ्रॉम सेमन, हाँ ये भी अच्छा ही पोकेमॉन है और ग्रास और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, बड़े बढ़िया ही पोकेमॉन है, अगर डायमंड ज़्यादा हो तो ले ही सकते हो, लेकिन कलेक्शन के लिए रखना ग्लोबल बटन पे मैं उतना सजेशन तो नहीं करूँगा। तो चलो देख लेते हैं और क्या है इवेंट में, टाइम लिमिटेड, ओही अरे बेकार सा इवेंट, कुछ तो नया दे दे नॉन VIP प्लेयर के लिए। और स्पेंडिंग टाइम इसको तो भाई कोई भी मत छोड़ना, सिर्फ पेंट करना पड़ रहा है और इसका काम तो भाई सब लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका काम होगा, नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा है, 10,000 डायमंड तक यूज़ करना पड़ रहा है 14 दिनों में, ठीक है बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक गियर वाउचर लिखा हुआ है, मैं क्या देख रहा हूँ, एक गियर वाउचर और एक है मूव वाउचर शायद, स्किल वाउचर और गियर वाउचर, तो बहुत लोग समझ गए ही हो कि स्किल वाउचर और गियर वाउचर क्या होते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा। और सिंगल टॉप अप वही सेम सा चीज़, मतलब कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, अरे नीचे क्यों नहीं हो रहा, अरे क्या हो गया,
नीचे मेरा ग्लिच हो रहा है, नीचे हो रहा 3000 डायमंड, 6000 डायमंड कौन करेगा भाई, मैं तो नहीं करूँगा। और डेली लकी रिवॉर्ड फिर से नी टॉप अप, कोई भी टॉप अप करो बस मिल जाएगा। और बोनस इवेंट, अरे ये तो सही वही मॉडल मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, बस डेली लॉगिन करना पड़ेगा, सब लोग तो जानते ही होंगे। इसको भाई कोई मिस मत करना, कि मैं बस यही चीज़ जो फ्री में दे रहा है बहुत ही बढ़िया चीज़ जो फ्री में देते, सिर्फ गेम को खेलना नहीं है, बस एक बार ओपन करो, डेली रिवॉर्ड जो देते हैं हर बार वो कलेक्ट करो, बस वो बंद कर दो और यहाँ पे आके बस डेज देखते रहो कितना दिनों तक मेरा 8 दिनों तक लॉगिन हो गया, 10 डेज में ये ऊपर वाला मिल जाएगा और 14 दिनों में ये नीचे वाला मिल जाएगा, बस कलेक्ट कर लो। मेरा तो पहला तो कलेक्ट किया हुआ था 5 दिनों तक। और इस एक्सचेंज में लो देख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता, बंद कर दिया और देख लिया कुछ नहीं आया, बस आज का इवेंट। और चलो पोकेमोन को देख लेते हैं, पोकेडेक्स, और ये रहा हमारा पोकेमॉन, चलो 1 स्टार से देख लेते हैं, नहीं 1 स्टार से देखते हैं। और देख लो इसका बहुत ही अच्छा मूव दिया दे रखा है, एक्सक्लूसिव मूव, तो सभी अटैक टाइप मूव नहीं, ये एक अच्छा मूव दिया रखा है। और ओपोनेंट का स्पेशल अटैक का मतलब स्टेज घटाता रहेगा, -1, -2, तो सब समझ रहे हो। तो और चलो देखते हैं हमारा पोकेमॉन कैसा है, स्पेशल स्टेट से देख लेते हैं। और गाइस देख लो, मैंने बोला था ना मतलब बहुत बुरा पोकेमॉन नहीं है, मतलब बुरा नहीं है, मतलब अच्छा ही पोकेमॉन है, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। अटैक देख लो 156 और स्पीड 118, मतलब बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। सिर्फ देखो नॉर्मल पे कोई स्टार फार नहीं है, कोई मतलब कुछ भी अपग्रेड नहीं किया है, और उसमें देख लो अटैक 156 और स्पीड 118, मतलब बढ़िया। और देख लेते 1 स्टार पे देख लो और स्पीड देख लो 18 से 26 बढ़ गया, और अटैक भी बहुत बढ़ चुका है, 169 हो चुके हैं। और चलो 2 स्टार पे देख लेते और स्टूडेंट में स्पेशल एस्टिया देख लो 780 टोटल, भाई मतलब ओपी बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन। और स्पीड देख लो 135 और स्पेशल अटैक 180, मतलब बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग अपने टीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ढूंढ रहे हो, और फाइटिंग अगर टीम में गोस्ट टाइप भी नहीं है तो फिर इसको खरीद लो, फाइटिंग टाइप मिल जाएगा, गोस्ट टाइप भी मिल जाएगा, मतलब अगर कोई भी पोकेमॉन अगर खाली हो, गोस्ट टाइप पोकेमॉन पहले से हो या फिर फाइटिंग पोकेमॉन पहले से हो, तो इसको रख सकते हो, बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है, इसको ले सकते हो। और मुझे तो अभी नहीं चाहिए, मुझे तो अभी मेरा टीम तो फुल ही है, मुझे अभी कोई फाइटिंग टाइप पोकेमॉन का ज़रूरत नहीं, इसलिए तो मैं इसको नहीं लूँगा। लेकिन भाई अगर आपको बस फाइटिंग टाइप पोकेमॉन से प्यार है, मतलब फाइटिंग टाइप पोकेमॉन यूज़ करना चाहते हो या फिर फाइटिंग और गोस्ट टाइप से प्यार है, तो इसको भाई ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है, बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन, ठीक है, मैं बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है, आप लोग इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल बैटल या कुछ भी कर सकते हो, आराम से यूज़ करते हो कर सकते हो इसे। और चलो हमारे मैं जो बोल रहा था, आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था, तो चलो कर लेते। और लेकिन रुको, सुप्रीम टोकन, अरे सुप्रीम टोकन इतनी जल्दी आ गया नहीं, 6 वही तो सेम ही तो है, तो यहाँ पर रेड मार्क, अबे उठ जा हजा, यहाँ पे क्लेम ऑल वाला था, हाँ चला गया, कुछ तो मिला है हमें, कहाँ पे चलो देखता हूँ मैं, मुझे नहीं पता ये क्या किस पे दिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर किसी को समझ आए तो मुझे बोल देना। रेड मार्क दिखाई जा रहा है, बस दिखाई जा रहा है, तो चलो छोड़ दो। और हमें जिसके बारे में बात कर रहा था, सो आज एक मतलब बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और वो क्या है गाइस, आज मैं करने वाला हूँ एक इस वीडियो पे एक लाइक कैम भी रखने वाला हूँ वीडियो के अंदर, और वो क्यों है मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। और आज एक VIP गिया भी कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, एक ही VIP गिया हुए मेरा, क्योंकि मैंने VIP गिवअवे का वीडियो छोड़ दिया था, वो अलग है, आज एक स्पेशल दिन है, आज है मेरा बर्थडे, ठीक है, आज मेरा बर्थडे, इसलिए आज एक VIP गिवअवे कर रहा हूँ, सिर्फ 21 लाइक है मैं, क्योंकि आज 21 जून है, इसलिए
21 लाइक एम के हो जाने के बाद मोशन फाइट रिलेटेड जो भी वीडियो नेक्स्ट पे आएगा उसको वीआईपी मिल जाएगा। और वीआईपी टू गिव अवे चल रहा है, एक ही वीआईपी टू, लेकिन पहला मैं उसको वीआईपी वन दूंगा। मतलब जब वो जीत जाएगा तो मैं वीआईपी वन अपग्रेड कर लूँगा और वीआईपी टू अपग्रेड कर दूंगा। और जब मेरा जो पहले वाला वीआईपी गिव अवे वीडियो होगा उसका अनाउंसमेंट जब हो निकल आएगा तब मैं उसको वीआईपी टू अपग्रेड करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ वीआईपी वन अपग्रेड करवा दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ 21 लाइक एम है और सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, 21 लाइक एम प्लस 21 सब्सक्राइबर मेरे प्लस होने चाहिए, बस 21 सब्सक्राइबर प्लस हो जाए और एक और 21 लाइक्स हो जाए, बस वीआईपी का रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ गाइस, जो भी चैलेंज पे पहली बार आए हो गाइस, सच बताओ, जो भी पहली बार आए हो गाइस, अभी चले जाओ जाके उस सब्सक्राइब बटन को एक बार प्रेस करके बस रेड कलर से ग्रे कलर का कर दो गाइस। तो बहुत दिनों हो गए सब्सक्राइब बटन वही रेड कलर का रेडी पड़ा हुआ है गाइस। आप सभी लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो अभी के अभी चले जाओ। और हाँ गाइस, हमारे चैनल में मोशन ऑन फाइट का गिव अवे चल रहा है। गिव अवे का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मैं डाल दूंगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सिर्फ एक सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो पे आके कोई भी एक रैंडम कमेंट कर दो, बस आपको मिल जाएगा। और हाँ गाइस, एक बंदे ने कमेंट कर दिया था, टोनी स्टार्क, हाँ उसका कमेंट ये रहा, तो स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा उसका कमेंट, तो हाँ मुझे पता ही, इसलिए ही तो किया इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो में दे रहा हूँ, आप मुझे बताए खरीद नहीं पाते तो इसके लिए ही तो। और हाँ गाइस, और जो एक और बंदा जो जीता था ना, वो गेमिंग शैडो शायद उसका नाम था, उसका कमेंट तो आप सभी को याद ही होगा, तो उसका कमेंट मतलब बहुत ही एक बेकार सा कमेंट था, लेकिन उसने अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अब मैंने उसको 7 डेज़ का टाइम दिया था उसके उस बुरे कमेंट के लिए, 7 डेज़ का टाइम, तो अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। तो उसको अगर 7 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं देता है कोई गेमिंग शैडो, तो उसका वीआईपी किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं गेमिंग शैडो कब रिप्लाई करता है या फिर नहीं करता है। नहीं करता है तो आप लोगों का ही फायदा हो जाएगा, तो ठीक है। और एक और बता, बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन पे कि जिसको वीआईपी मिला उसको दोबारा अगर नाम आ जाए तो क्या करोगे, तो उसको तो भाई दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वीआईपी टू तो मैंने पहले ही से ही अपग्रेड कर दिया होगा और उसको फिर दोबारा कोई मतलब चांस ही नहीं है। और वीआईपी उसको देने के लिए वीआईपी थ्री तो मैं अपग्रेड नहीं करूँगा इतनी जल्दी, मतलब आगे करेंगे, आगे चलो देखते कर पाएंगे तो कर लेंगे, सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे आपको तो मिल जाएगा। और हाँ, फ्री में वीआईपी पाने के लिए गाइस अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो कोई मतलब फ्री में तो वीआईपी आप कभी तो खरीद गेम से नहीं सकते पूरा फ्री में, वो एक ट्रिक है, मतलब उससे एक अर्निंग सेंटर है शायद, अर्निंग ऐप ही कह लो, मतलब जो ऐप सभी लोग दिखाते हैं सभी यूट्यूबर्स वो उस टाइप के ऐप ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोगों को पता है उस ऐप के बारे में, बहुत ही कम लोगों को। ठीक है, तो वो राज जानने के लिए भाई अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, बस मेरा 1K पूरा होने के बाद मैं कब बोलने वाला हूँ कि फ्री में वीआईपी कैसे कर सकते हो, मैं बहुत बता दूंगा कि मैं कब बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस पर सब्सक्राइब कर दो भाई, 95% लोग भाई बिना सब्सक्राइब के ही देख रहे हो भाई, कमाल है, तो बिना टाइम ना वेस्ट करके भाई अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। तो आज का वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।